लेदर होता है, रबड़ होता है, वो माइलो खा गया और तब से माइलो ऐसे पड़ा है खत्म। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में, सोमीतू व्लॉग्स में। और तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज रियो और रियो के पापा छुट्टी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आज वो बना रहे हैं रियो के लिए से नो टू प्लास्टिक पोस्टर। दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए। जैसा कि हम सबको पता है, अब पॉलिथिन्स वगैरह में सब बैन होने वाली हैं और इसके लिए स्कूलों में भी शायद कैंपेन वगैरह चल रहा है, तो इसी के लिए वो पोस्टर तैयार किया जा रहा है से नो टू प्लास्टिक। तो दिखाती हूँ मैं आपको सोमी और रियो कैसे बना रहे हो मिलके। ये देखिए, ये जरा हटो पीछे। वाव, ये अर्थ है। ये प्लास्टिक को गार्बेज बैग में थ्रो कर रही है और गार्बेज बैग में काफी सारा और भी प्लास्टिक है। अभी इसमें आपने इसको स्लोगन भी लिखना है ना रियो, है ना? मम्मी का स्टाइल देखिए, ये पेंटिंग का ये नया स्टाइल है। तो ये कोई नया स्टाइल है क्या? इससे क्या कुछ दिमाग में कुछ ज्यादा वो आता है क्या? ब्लड सर्कुलेशन। तो फिर हाथ हाथ भी तेज चलते हैं। ऑब्वियसली दिमाग से सब काम होता है। मैंने सारा कर दिया 3 महीने। अरे वाह, ये रियो की ड्राइंग से नो टू प्लास्टिक पोस्टर। और हमारे माइली महाराज कर रहे हैं यहाँ पे आराम, क्योंकि माइली के है आराम का टाइम, खा पी के सो गए माइली। माइली दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रियो और सोमी एक पोस्टर बना रहे थे, तो मैं दिखाती हूँ वो पोस्टर कैसा बना है। तो आप लोग देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा बना है और से नो टू प्लास्टिक। तो ये रहा वो पोस्टर और इसके ऊपर ने एक स्लोगन भी दिया है कि प्लास्टिक इज लाइक अ नाइफ विच हार्म्स अवर लाइफ, और बिल्कुल करेक्ट बात है। तो दोस्तों, आज से नो यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, नो यूज ऑफ प्लास्टिक। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है हमारा पोस्टर। भारत माता की। इसी के साथ ही मैं एक बात तो बताना भूल गई कि ये जैसे रियो और सोमी यहाँ पे काम कर रहे थे, सारा इन्होंने फैला रखा था, तो क्या हुआ कि रियो का एक जो इरेजर होता है, रबड़ होता है, वो माइलो खा गया और तब से माइलो ऐसे पड़ा है। खत्म खत्म, गुड बाय, गया वो रबड़ी, निकल गया, मतलब चबा के खा गया। ये क्या खा लिया मैंने? माइलो और खा के रबड़। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हे दोस्तों, तो बज चुके हैं इवनिंग के 5 और हम जा रहे हैं थोड़ा आउटिंग के लिए, और हमारे एक दो काम भी हैं। रियो को एक प्लांट लेना था रियो के स्कूल के लिए, और 2-4 छोटे मोटे काम हैं, तो वो भी निपटाते हैं और घूम के भी आते हैं और आपको भी घुमाते हैं। आज हो गया है बहुत अच्छा मौसम, बारिश हो सकती है, तो चलिए चलते हैं। चले चलिए। तो दोस्तों, निकल गए हम। हम जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं सोमिया? अभी हम कहाँ जाएंगे? तो हम मंडी जा रहे हैं। मंडी? हाँ, प्लांट। अच्छा, हाँ, रियो का जो प्लांट लेना है उसके लिए जा रहे हैं, और उसके बाद कुछ खा लेंगे, चाइनीज कुछ आइटम। हाँ, एक जगह आपको दिखाएंगे, हॉकर्स, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, हॉकर्स चलेंगे, बहुत दूर से लोग आते हैं वहाँ, मतलब स्टॉल टाइप का है, एक बैठने के लिए नहीं है, गाड़ी में ही लोग बैठ के खाते हैं, पर वहाँ का जो फूड है, फास्ट फूड, बहुत टेस्टी है और काफी लोग आते हैं वहाँ बैठ के अपनी गाड़ी में ही ऑर्डर करके खाते हैं, तो आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए, बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, सड़कें भीगी भीगी, पेड़ पौधे भीगे भीगे, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने नहला दिया हो इसको, है ना? अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा अच्छा मौसम है। चला रही है गाड़ी में तू, याद है? भूल गई है?
आगे पीछे देख लेना। अरे वाह मम्मी। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again, oh you won't see the till the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. तू भूल चुकी है, तूने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। बस मैंने ये नहीं लगाई, बाकी मैं गाड़ी चलाना नहीं भूली हूँ। I am very happy. शायद इंसान नहीं भूलता है, अगर अच्छे से गाड़ी चलाना आ जाए तो वो गाड़ी चलाना नहीं भूलता है। मैंने तेरे को क्या कहा था? सोमी मुझे बार बार कह रहे थे कि नहीं मित्तू तू नहीं भूली, तू जब भी पकड़ेगी तो आराम से चला लेगी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत आराम से गाड़ी चला रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और आज बारिश में पहली बार मैं गाड़ी चला रही हूँ, मजा आ रहा है। बारिश हो रही बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज, इधर से भागेंगे और उधर से आएंगे। ये भाई बरखा तेज है भाई। ये देखो ये भागे सोमी और ये अंदर। देखो दोस्तों हम कितना अच्छा लग रहा है, दिल्ली का मौसम, गाड़ी के अंदर से बारिश का मजा ले रहे हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलें अब आगे, हमारे सारे प्लान की बच चुकी है बैंड। इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, हम गाड़ी से नीचे उतरेंगे भी कैसे, इतनी तेज बारिश हो रही है। प्लान भी कैसे लेंगे, प्लांट भी कैसे लेंगे और हॉकर्स भी कैसे जाएंगे। हॉकर्स तो खैर ओपन रहता है ना, हॉकर्स तो आपको जरूर दिखाएंगे। जा रहे हैं पहले हॉकर्स ही जा रहे हैं, फिर देखते क्या होता है। और देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, दिखा। ये देखिए गंगा जमुना बहने लगी। जा रहे हॉकर्स, कुछ खाएंगे पिएंगे और आपको दिखाएंगे हॉकर्स। तो जी हम पहुंचने वाले हैं हॉकर्स। छोटा सा स्टॉल दिख रहा है आपको, वो है हॉकर्स। ये देखिए जहाँ ऑरेंज छपरा टंगा है, छपरा छप्पर टंगा है ऑरेंज, ये है हॉकर्स और काफी फेमस है बसंत कुंज में। सुमी वो रही थोड़ी सी जगह गाड़ी पार्क करने की, हाँ यहाँ घुसा दो अंदर। और ठीक हमें लकीली हॉकर्स के पास में ही गाड़ी पार्क करने की जगह मिल गई। तो ये रहा हॉकर्स दोस्तों। और ये देखो ये जो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, दिखाना जरा, जो सारी गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, ये सिर्फ यहाँ का फास्ट फूड टेस्ट करने आई है। तो चलिए वह छोटा सा हॉकर और ये रही गाड़ियां, सारी गाड़ियां यहीं का वेट करते हैं। वैसे संडे भी है तो काफी भीड़ है। तो ये रहा हॉकर्स का मेन्यू, वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए। यहाँ का फास्ट फूड आप यहाँ आसपास रहते हैं तो आके ट्राई कीजिए ज़रूर, बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। और आज हम ऑर्डर करने जा रहे हैं मोमोज एंड सिंगापुरी नूडल्स। यहाँ आके हम कई बार खा चुके हैं, आज हम नया ट्राई करेंगे चिली गार्लिक नूडल्स। क्यों सोमी आज चिली गार्लिक नूडल्स ट्राई करें? तो चलो ऑर्डर दो। और यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि वो लोग ऑर्डर भी गाड़ी से ही ले जाते हैं और जो आपका ऑर्डर है आपके बैठे बैठे गाड़ी में ही आ जाएगा, तो बहुत अच्छा है। छोटा सा स्टॉल,
पर फैसिलिटी काफी अच्छी है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। गार्लिक मंगा दूं? चिली गार्लिक नूडल्स, एक चिली गार्लिक नूडल्स सर, वेज और ये चिकन मोमो, एक चिकन मोमो स्टीम। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, चिकन मोमो स्टीम चिकन मोमो। और यो के मुंह में पानी आता हुआ, खुशबू तो बहुत अच्छी है। चलो इसके साथ क्या खा के देखते हैं, इसके साथ क्या लगा, इसके साथ बहुत हॉट है, बहुत गर्म है। ओह माय गॉड, गर्म में तो मजा आता है, तुम ही तो खा लेते हैं गर्म मोमोज का टेस्ट लाजवाब। मतलब यहाँ जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा ऑर्डर भी, ये क्या है सुमी, कौन सी मंगाई थी हमने, गार्लिक चिली गार्लिक चाउमीन चिली गार्लिक नूडल्स। ऐसे मतलब बहुत कम दिन मिलते हैं कि जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हो। देखो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, हम खा भी रहे हैं, खाने का मज़ा ले रहे हैं, अच्छे से आराम से हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो बारिश, देखो कितनी तेज़ हो रही है बाहर। ली है हमने अपनी पेट पूजा, अब हम करते हैं काम दूजा। वाह 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 वाह, क्या बोलते हो। तो निकल गए हम, अब थोड़ी बारिश थोड़ी कम हो गई है, देखिए। और थोड़ा रियो का एक प्लांट था जो वो ले लेते हैं, क्योंकि इसे कल स्कूल ले जाना है। क्यों रियो, हमारा सैर सपाटा पूरा, काम भी थोड़ा ही पूरा हुआ, मतलब बाकी के काम रह गए, एक दो काम और थे। चलिए कोई बात नहीं, रियो का तो हुआ मेन, है ना। तो अब चलते हैं घर की तरफ और आपको मिलते हैं घर पे। देखते हैं माइलो क्या कर रहा है। फट जाओ फट जाओ फट जाओ, लाइट खोल दो, अंदर जाके लाइट खोलो। माइलीगो माइलीगो माइलीगो, खोल दे खोल दे खोल दे। दोस्तों ऐसा रहा हमारा दिन आज का, आपने देख लिया होगा और काफी मजा आया बारिश में जाके, क्यों बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जो हमने प्लान बनाया था उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जिससे और मजा आ गया। डिफरेंट भी बहुत, पौधा भी ले ही लिया था, प्लांट एक काम तो हो ही गया हमारा। तो अभी करते हैं डिनर की तैयारी, क्या बना रही मैडम, आलू के गुटके। ओह चलेगा चलेगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।